हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनआईएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिन लोगों का नवंबर में एग्जाम्स चल रहे हैं और कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ एग्जाम्स के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं। साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि उनके एग्जाम्स को कैंसिल भी किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है। दिल्ली में जो एयर का जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो गया, जिसकी वजह से केजरीवाल जी ने अभी डिसीजन लिया था कि वो दिल्ली के सभी स्कूल्स को लगभग 7 दिन के लिए वो क्लोज करके रखेंगे। दिल्ली के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल बार बार आ रहा है कमेंट बॉक्स में, मैं उसको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे किए हैं कि सर, हम दिल्ली के जब सभी स्कूल्स बंद हैं तो हम NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स, 10th हों या 12th क्लास के हों, हम अपने एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे सेंटर्स तो बंद होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ CBSE वर्सेज NIOS हैज़ लेस स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्यों लिखा है मैंने। इसके लिए मैं आपको पहले ये आंसर देना चाहूँगा। देखिए, CBSE के अंदर लाखों स्टूडेंट्स थे, लाखों स्टूडेंट्स हैं भी, लेकिन अगर हम बात करें NIOS की, NIOS में अक्टूबर सेशन के अंदर केवल 1.77 लाख स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 1,77,000 करीब बच्चे हैं जो कि एग्जाम्स के लिए अपेयर हैं, वो भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो उस हिसाब से दिल्ली के अंदर उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो बच्चे ऑलरेडी, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, यानी कि जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, उनके एग्जाम्स कंटिन्यू रहेंगे। उन्होंने सिर्फ CBSE वाले बच्चों को ये रियायतें दी हैं, एयर क्वालिटी कम होने की वजह से उनको घर पे बैठा है क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब ये मुझे नहीं पता कि डिस्क्रिपेंसी NIOS और CBSE के बोर्ड के बीच में क्यों की जा रही है, बट ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों के एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है और आपके सेंटर्स खुले मिलेंगे आपको, राइट। तो आपको जाना है, टाइम टू टाइम अपने एग्जाम्स दे के आना है, ये था इसका आंसर, मैंने आपको बता दिया। तो अब आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ईमेल एंड ट्वीट एट 8 PM, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में से, मैं आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एवरी स्टूडेंट, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियर दैट आज हम ईमेल और ट्वीट रात को 8 बजे करने वाले हैं। आज है तारीख 15/11/2021, रात को एक साथ सभी स्टूडेंट्स आएंगे और ट्विटर पे ट्वीट करेंगे। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देख लेना जो मैंने कल लॉन्च की थी, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आपको ट्विटर पे टैगिंग करनी है, किस तरह से आपको हैशटैग यूज़ करना है, क्या हमारा हैशटैग होगा जिसको हम चाहते हैं कि वो आज रात को 8 से 10 बजे के बीच में वायरल जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी डिमांड कि बहुत सारे बच्चे आएँ और इस मुहिम में हमारा साथ दें, क्योंकि आज हम लड़ेंगे फाइनल लड़ाई। अगर हम आज स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देख पाते हैं, आज हमारे पास 10 से 15 स्टूडेंट्स अगर गैदर होते हैं, तो हम मानते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनके एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। लेकिन अगर आज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है और अगर ये ट्रेंडिंग में नहीं आता है, तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि NIOS के जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th क्लास के, उनमें यूनिटी नहीं बन पाई और उस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनके एग्जाम्स टाइमली लिए जाएँ। तो दोस्तों, आज एक फाइनल लड़ाई हम करने वाले हैं रात को 8 बजे, आप लोग सभी आइएगा, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आपको सपोर्ट करें और आपके एग्जाम्स को लेकर कोई बड़ी खबर निकाल के ला पाएँ, राइट। तो ईमेल और ट्वीट हमें करना है, मैंने दोनों के बारे में पूरी जानकारी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दे रखी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं, मैंने दे दिया लिंक उसका, ठीक है। CBSE और NIOS के बारे में मैंने आपको बता दिया, NIOS के एग्जाम्स को आखिर क्यों नहीं रोका गया, क्योंकि कम स्टूडेंट्स थे और इसकी वजह से, और स्टूडेंट्स का कोई भी खास रिस्पॉन्स भी नहीं है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जाम दे के भी आए हैं। कई राज्यों के अंदर जैसे तमिलनाडु, केरला और चेन्नई, इन राज्यों के अंदर स्टूडेंट्स ने अपना पहला एग्जाम मिस किया था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर कंडीशन वॉज वेरी वर्स देयर एंड द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू गो एंड गिव देयर एग्जाम्स। तो वहाँ पर प्रॉब्लम सिचुएशन जो थी, उस वजह से वो एग्जाम्स नहीं दे पाए, बट स्टिल अब काफ़ी राहत का समय आ चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रेपरेशंस कर रहे हैं। बट स्टिल, अगर जो स्टूडेंट चाहता है कि वो आज हमारा इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे और वो चाहता है कि NIOS बोर्ड तक ये आवाज़ जाए कैंसिलेशन को लेकर, या जो भी आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज रात ट्विटर पर ट्वीट करना है, एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर एक फाइनल फाइट हम करने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं, डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी, आज जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, इसके बाद फाइनली आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वीडियो ओवर कैंसिलेशन। आज आपके पास फाइनल टाइम है, यू हैव टू कम टुगेदर इन द नाइट एट 8 o'clock, इट इज 15/11/2021 टुडे, एंड इन द नाइट 8 o'clock आई एम गोइंग टू वेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट एट द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्विटर, वहाँ पर आप आएंगे, एक साथ ट्वीट करेंगे। अगर आज आपकी स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिलती है, देन वी विल कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट
आपका जो कैंसिलेशन का चल रहा है प्रोग्राम, अदरवाइज आई विल हैव टू मूव टू अप्रैल 2022 स्टूडेंट्स टू हेल्प देम, राइट। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि रात को 8 बजे ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे आइएगा, जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा ही कीजिएगा, हैशटैग को प्रॉपर यूज़ कीजिएगा, टैगिंग सही से लगाइएगा और इस तरीके से आपको सारे काम करने हैं। इन्फॉर्मेशन एक और देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कल एक नोटिफिकेशन देखा था जो कि NMS बोर्ड का एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर ये क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं या ऐसा कुछ है। देखिए दोस्तों, वहाँ पर वैसे भी कई सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दिया है, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो एक फेक है। जो लोग मेरे WhatsApp ग्रुप में थे उन बच्चों ने मेरे से पूछा था, तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि इट्स अ फेक न्यूज़, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन NMS बोर्ड से ऐसे डायरेक्ट आपके पास नहीं आ सकती। उसके लिए एक सिस्टमेटिकली तरीका होता है NMS बोर्ड को आप तक पहुंचाने का, डेट्स वगैरह सारी उसके अंदर क्लैरिफाई होती हैं। आप लोगों ने वो देखा, लेकिन आपने देखा डेट्स में कुछ मिस्टेक्स थी उसके अंदर, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने भी बच्चों को बता दिया था कि इट्स अ फेक न्यूज़, राइट। तो दोस्तों ऐसा होता रहता है, लोग करते हैं ऐसा, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि NMS बोर्ड ऑफिशियली ही कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा, वो इस तरीके से चुपचाप रात को ऐसे कोई मैसेज नहीं कर सकता, राइट। तो इसका आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, आपको सिर्फ फोकस करना है सिर्फ एक चीज पर कि आज रात को 8 बजे हमें ईमेल और ट्वीट करना है, राइट। चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, कैंसिलेशन को लेकर आपके अंदर डिमांड है, अगर आपको न्याय चाहिए, तो आज आपको प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अदरवाइज आज के बाद हम कभी भी कैंसिलेशन को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, कैंसिलेशन को लेकर कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ मुझे कॉल ना करे, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को खुद आज पता चल जाएगा कि रात को 8 बजे अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे, और अगर नहीं आते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये मत है, जिनका ये विचार है, जिनकी ये मेंटेलिटी है दैट वो हैप्पी हैं कि उनके एग्ज़ाम जिस तरीके से लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज सवाल खड़ा होता है कि रात को कितने बच्चे 8 बजे इस मीटिंग में आने वाले हैं जो कि ट्विटर पे हम ट्वीट करेंगे। ईमेल आप लोगों को करना है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, मेरी वीडियो में देख लेना। ट्वीट क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो के अंदर। और 15 तारीख आज है और आज रात को हम एक साथ आने वाले हैं। NIOS और CBSE के बच्चों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि NIOS के बच्चों को रियायतें क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि लेस क्वांटिटी है और प्लस बच्चों का कोई प्रेशर भी NIOS बोर्ड पे खासा पड़ा नहीं है। और आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने वाला हूं, सभी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आज का दिन हमारा लास्ट और फाइनल है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आएंगे और इस प्लेटफॉर्म पे आके हमारा साथ देंगे, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। अब यहाँ पर इस वीडियो को लेकर थोड़ी सी बात बता देता हूँ। कल मैंने वीडियो डाला था, उसके अंदर करीब 3K यानी कि 3000 व्यूज़ आ चुके हैं, बट उसमें अगर आप लाइक्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 250 लाइक है। इसका मतलब है 3000 बच्चे वीडियो को देख चुके हैं, उसमें से केवल 250 बच्चों ने ये पसंद किया है कि हाँ ये काम होना चाहिए, बाकी के स्टूडेंट्स ने लाइक क्यों नहीं करा वीडियो को, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आपका है, आप अपने आप से पूछिए, राइट। तो उसी तरीके से इस वीडियो के अंदर भी मैं देखना चाहता हूँ कि रात को 8 बजे से पहले पहले कितने लाइक्स इस वीडियो में आने वाले हैं और क्या बच्चों की मेंटेलिटी है, बच्चे क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी क्या राय है इसको लेकर, क्योंकि मैं भी इस चैप्टर को फाइनली क्लोज करना चाहता हूं, या तो ये चैप्टर पूरा तरीके से आज पूरी दम लगा के हम इस पे काम करेंगे, अदरवाइज हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। और आई वुड लाइक टू हेल्प टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर एग्जाम्स प्रॉपरली एंड नाइसली, तो मैं उनको हेल्प करूंगा कि वो क्या क्या पढ़ के जाएं या क्या क्या स्टडी मटेरियल उनको दिया जाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बता रहा हूं। तो दोस्तों आज रात को 8 बजे मिलते हैं आप लोगों से ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे, राइट। और मेल ईमेल कैसे करना है मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना, उसमें सारा बता रखा है, हैशटैग के बारे में सब कुछ, बार बार बातों को रिपीट करना इट्स काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।